अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सेवरिन चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना एंड प्रेस बेल आइकन, उसके बाद ऑल का ऑप्शन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होती हैं ऑस्ट्रेलिया वीज़ा के हवाले से, और उसके साथ साथ आपके साथ ब्लॉग्स भी शेयर करूँगा, सारी वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। सेवरिन, जो आज की वीडियो है बहुत ही एक इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। मैंने सारे उन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जुलाई इंटेक के हवाले से अपडेट शेयर करने, अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया इमिग्रेशन से अपडेट आई है, और उसके साथ साथ एक और आपके साथ अपडेट शेयर करनी है कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट जो अभी ख्वाहिशमंद है कि ऑस्ट्रेलिया आने के लिए, जिन्होंने अभी 12th कर रहे हैं, जो अभी फर्स्ट ईयर में, उनके लिए भी एक गुड न्यूज़ है। और उसके साथ साथ आपके साथ जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो गैप की वजह से परेशान है कि हम ऑस्ट्रेलिया किस तरह जाएँ, हमारा इतना बड़ा गैप है 2-3 ईयर्स का, तो ये सारी मैं आपके साथ अपडेट शेयर करूँगा, सो वीडियो को एंड तक देखना। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले 12th वालों के लिए मैं अपडेट देना चाहता हूँ। देखें, जो आप लोग अभी देखें, इस तरीके से एक न्यू ऑस्ट्रेलिया की तरफ से न्यूज़ आई है कि आप लोग अपने 12th से पहले, मतलब सेकंड ईयर से पहले, आप लोग ऑफ़र लेटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब सबसे पहले आपको देना पड़ेगा, जिस तरीके से आइल्स होता है, आइल्स के फौरन बाद आप लोग जो है ऑफ़र लेटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो इस तरीके से हो सकता है कि आप लोग मतलब 12th के रिज़ल्ट से पहले, देखिए 12th का जो रिज़ल्ट है वो अभी आप लोग सोच रहे हो कि 12th के रिज़ल्ट से पहले हम किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, तो भी ये इस तरीके से न्यूज़ है कि आप लोग की जो कॉलेज होता है, कॉलेज से आपको एक कंडीशन लेटर दिया जाता है कि मतलब वो उसमें लिख दिया जाता है कि ये जो स्टूडेंट है ये अराउंड 60-65% तक जो है वो एग्ज़ाम में इसके परसेंटेज आएगी और ये मतलब इतने मार्क्स गेन कर सकता है। तो देखें, इतने तो सबके ऑलरेडी आ जाते हैं, तो उस वजह से फिर वो जो कंडीशन लेटर होता है, जो आपका सर्टिफिकेट होता है, वो आपका जो है वो कॉलेजेस की तरफ भेज दिया जाता है, ऑस्ट्रेलिया कॉलेजेस की तरफ भेज दिया जाता है। तो इस तरीके से अभी न्यूज़ आई है कि कंडीशन लेटर भी अभी आपको ऑफ़र लेटर में चल सकता है। तो एक ये न्यूज़ होगी, क्योंकि पहले इस तरीके से होता था कि इसमें अराउंड 6-7 मंथ्स लग जाते थे, तो अभी इस गैप को बचाने के लिए ये भी न्यूज़ आई है कि आप लोग कंडीशन लेटर से भी आप लोग ऑफ़र लेटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद एक और न्यूज़ जो ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स गैप के बारे में पूछ रहे थे कि हमारा जो गैप है उसको हम किस तरीके से कवर करें और क्या क्या चीज़ें उसमें हम इस तरह शो करें कि हमारा जो ऑस्ट्रेलिया इमिग्रेशन की तरफ से जो हमारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जाएंगे तो वो गैप कवर हो सकें। देखिए, जिस तरीके से मैंने आपको सबसे पहले बताया भी है कि आप लोग गैप कवर करने के लिए आप लोग एक शॉर्ट कोर्स करें। देखिए, शॉर्ट कोर्स का मतलब ये नहीं है कि आप लोग जाके अभी से 1-2 ईयर्स 3 ईयर्स का कोर्स करने शुरू हो जाएँ। देखिए, बहुत सारी ऐसी अकेडमीज होती हैं जो कि आपको 5 मंथ्स तक आप लोग को या 3-4 मंथ्स का कोर्स दे देती है, उसके बाद आपको उस सर्टिफिकेट में ये शो करा देती है कि आप लोगों ने 1.5 ईयर का आपका इसका एक्सपीरियंस भी है, तो वो सारा जो गैप है वो इसमें कवर हो जाता है। तो आप लोग देखें, मैंने आपको बताया भी है पहले भी कि आप लोग आईटी फील्ड में, अगर आप लोग जो कंप्यूटर साइंसेस में जाना चाहते हैं तो कंप्यूटर फील्ड में कोई शॉर्ट कोर्स कर ले, या कोई मेडिकल में जाना चाहते हैं तो वो कोई फार्मेसी या केमिस्ट का कोई शॉर्ट कोर्स कर ले, तो इस वजह से आप लोग का जो गैप है वो इसमें कवर हो सकता है। तो थर्ड नंबर पर हम आ जाते हैं, वो ये है कि देखिए, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स आफ्टर सेकंड ईयर, जो मैंने जिस तरीके से बताया भी है, आइल्स देते हैं, फिर आइल्स के बाद 3 मंथ्स लग जाते हैं आइल्स की अकेडमी में, फिर उसके बाद जो इसका प्रोसेस होता है रिजल्ट का, फिर उसमें 15-20 डेज लग जाते हैं, जो अप्रॉक्सीमेटली 4 मंथ्स इसमें वेस्ट हो जाते हैं। और उसके बाद जब आप लोग अप्लाई करते हैं तो उसमें भी आप लोगों को पता है कि फाइल में टाइम लगता है, अराउंड 4-5 to 6 मंथ्स पहले आप लोग उस प्रोसेस को कर सकते हैं। तो ये इसका मतलब ये भी है कि आप लोग का जो गैप है वो भी बच जाएगा, और उसके साथ साथ आप लोग का टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। और उसके बाद बाकी, अब जुलाई इंटेक के हवाले से मैंने बात करनी थी, जुलाई इंटेक के बारे में मैंने आपको बता दिया कि जुलाई इंटेक के बारे में जो स्टूडेंट्स अप्लाई करना चाहते हैं वो आफ्टर मई भी अप्लाई कर सकते हैं, जून में भी अप्लाई कर सकते हैं, और उनका मतलब जो ऑफ़र लेटर है वो जुलाई में भी आ सकता है। तो देखें, एक और ये न्यूज़ आई है कि आप लोग 90 डेज से पहले भी मतलब आप लोग अप्लाई कर सकते हैं इस चीज़ को, 90 डेज से पहले भी आप लोग मतलब ऑफ़र लेटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने आपको ये कुछ अपडेट देनी थी, तो उम्मीद है कि आप लोग को ये अपडेट समझ आ गई होगी कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अभी ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं, 12th के बारे में मैंने आपको बता दिया, गैप प्रूफ के बारे में आपको बता दिया, और उसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बता दिया कि आप लोग का जो टाइम है वो इस वजह से अब वेस्ट नहीं होगा। अगर आप लोग इस तरीके से प्रोसेस करेंगे, आप लोग डायरेक्ट मतलब आइल्स के फौरन बाद आप लोग अपने ऑफर लेटर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं, बस सिर्फ आपको एक कंडीशन लेटर चाहिए, कंडीशन लेटर, क्योंकि ये अभी ऑस्ट्रेलिया की तरफ से न्यूज़ आई है, क्योंकि इनका जो बहुत टाइम जो पास्ट ईयर में वेस्ट हो चुका था उसको कवर करने के लिए इन्होंने ये न्यूज़ दी है कि सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स किस कंट्री में भी आ सके, और उनका जो प्रोसेस है उसको भी मतलब इन्होंने थोड़ा ईजी कर दिया इस चीज़ को। और बाकी जो स्टूडेंट्स कह रहे थे कि हम ऑस्ट्रेलिया के लिए कितना मतलब बैंक स्टेटमेंट शो करा सकते हैं, तो बैंक स्टेटमेंट के बारे में मैंने आपको बताया भी था कि आप लोग देखें, अराउंड
30 लाख भी हो सकता है, 35 लाख भी हो सकते हैं, तो तकरीबन इतना आप लोगों ने बैंक स्टेटमेंट जो है वो शो कराना है, क्योंकि ताकि ऑस्ट्रेलिया इमिग्रेशन को भी पता लग सके कि स्टूडेंट जो हमारी कंट्री आ रहे हैं इसको कोई सपोर्ट करने वाला है, चाहे वो आपके फादर हो, मदर हो, या एल्डर ब्रदर सिस्टर में से कोई भी हो। तो ये मैंने कुछ चीज़ें आपको बतानी थी, और उसके बाद अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होते हैं तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं इंशाल्लाह जितना पॉसिबल होगा आप लोग आंसर्स करूँगा। सो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।